एक दूजे के वास्ते श्रवण बोलो कुछ काम था क्या नहीं कुछ काम तो नहीं था पर काफी देर से इनफैक्ट शाम से कोशिश कर रही थी तुमसे एक बात करनी थी हाँ बोलो ना श्रवण यारा तू यहाँ खड़ा है अगर आपने सनकी के साथ नहीं डांस किया तो कैसी आप पे दिवाली चल मैं आता हूँ अभी हाँ कोई बहाना नहीं चलेगा चल कैप्टन आप भी ज्वाइन कीजिए नो थैंक्स यू गाइस कैरी ऑन विक्रम हाय सुमन तुम कहाँ गायब हो गए अचानक कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे भी किसी को नहीं पता वो एक्चुअली अचानक कैंट में कुछ काम निकल आया था तो यहाँ आ गई तुम वहाँ बोर तो नहीं हो रहे ना नॉट मच पर तुम ऐसे गई तो बता के तो जाती एटलीस्ट मैसेज कर देती आई एम रियली सॉरी विक्रम वो जल्दी जल्दी में नहीं, नहीं कोई बात नहीं अच्छा हाँ एक और चीज वो कैप्टन श्रवण मल्होत्रा वो भी अचानक पार्टी से गायब हो गया था वो हाँ विक्रम वो भी यही कैंटोनमेंट में है क्यों है ओके क्योंकि जिस तरह से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ ना वैसे ही सोफी भी कैप्टन श्रवण मल्होत्रा को ढूंढ रही है एक सेकंड रिलैक्स हाँ वो कैंट में ही है अच्छा तो ठीक है सुमन तुम अपना काम कर लो फ्री होके मुझे कॉल करो ओके टेक केयर बाय ओके बाय विक्रम कैंसली यार विक्रम तुम्हें नहीं लगता ये श्रवण और सुमन के बीच में देयर समथिंग यू नो सम स्ट्रेंज कनेक्शन ऑफ कोर्स कनेक्शन तो है ही ना दोनों आर्मी ऑफिसर्स हैं तो उनके काम करने का तरीका सोचने का नजरिया डिसिप्लिन और हाँ इवन यूनिफॉर्म तक कॉमन है सो यार दो लोग सेम ड्रेस पहनते हैं तो कनेक्शन नहीं होता लुक इट्स ऑल अबाउट इमोशंस यू नो व्हाट टू पीपल फील फॉर ईच अदर दैट इज कनेक्शन एक दूजे के वास्ते एक दूजे के वास्ते एक दूजे के वास्ते एक दूजे हाँ लेकिन ये अचानक कनेक्शन वाली बात तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आई यार एक्चुअली ना वो लो तुम दोनों यहाँ पे कितनी बातें करोगे यार चलो डिनर करते हाँ श्योर डिनर करते हैं ना चलो क्या बनाया वैसे मेरे को भूख भी लग रही थी क्या बनाया वैसे फौजी परिवार के साथ दिवाली मनाने का मजा ही कुछ और है सर इनके बिना दिवाली दिवाली नहीं लगती आप सबके साथ दिवाली मनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन सर जो परिवार घर बैठा इंतजार करता है हमारा तो उसके साथ खुशियां बांटना वो बात ही अलग है पर हर साल घर जाना एक फौजी के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है अब मुझे ही देखिए ना पता नहीं कितने साल हो गए फैमिली के साथ सेलिब्रेट किए हुए तो फिर आपके घर वाले पहले बेटी बहुत नाराज होती थी फिर बड़ी हुई फिर समझी कि पापा क्यों नहीं आते क्या काम करते हैं तब एक दिन खुद ही सैल्यूट करके बोली कि आई एम प्राउड ऑफ योर पापा इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी कमांड ही हमारी फैमिली है और अब इनके बिना दिवाली बड़ी अधूरी लगती है सर मेरा बेटा जब मैं दिवाली पर घर पर नहीं होता तो इतना लंबा पत्र भेजता है वो और साथ में थोड़े पटाखे और अंत में लिखा होता है लव यू पापा कब आओगे मेरे बेटे ने इस बार प्रॉमिस लिया है
कि इस बार मार्शल आर्ट सीखेगा। छुट्टी पर गई तो एक और फाइटर तैयार। अरे मैम, इन बच्चों को ना मैं अच्छे से जानता हूँ। अभी आप देखना, अगली दिवाली पे कोई और ही प्रॉमिस ले लेंगे। सबको अपने ऐसा मत समझ झूलेलाल। अरे श्रवण, तुम चुप क्यों? मिस कर रहे हो अपने फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करना? सर, हमारी भी एक प्यारी सी जॉइंट फैमिली थी और यहीं भोपाल में रहते थे। सब एक साथ, सारे त्योहार, सारी खुशियां, सब कुछ एक साथ मनाते थे सर। फिर पता नहीं अचानक एक दिन किसकी नजर लग गई, सब कुछ बदल सा गया। ना वो खुशियां रही और ना ही वो परिवार, सब टूट गया सर उस दिन। ऐसा लगा जैसे सब कुछ एक साथ बिखर गया। और आज इतने सालों के बाद इन दोनों की वजह से मैंने आप सबके साथ इतनी अच्छे से दिवाली मनाई है। और आज इस दिवाली पे ऐसा लग रहा है सर, जैसे कि जो बरसों पहले मैंने इतना कुछ खोया था ना, उतना ही कुछ खास आज पा भी लिया मैंने। कैप्टन तिवारी, आप? सर, हमारे घर पे तो दिवाली से बड़ा और कुछ था ही नहीं। जब पापा ड्यूटी पर नहीं होते थे ना, तो हमारे साथ घर पे मिलके दिवाली मनाते थे, वरना खूब सारी खीर मंगवाते थे घर से अपनी पूरी कमांड के लिए। पर जब से पापा उसके बाद से हमारे घर में किसी ने कभी दिवाली नहीं मनाई। पर इस बार बहुत सालों के बाद पहली बार हम सब घर में साथ में थे। फिर मुझे मौका मिला आप सबके लिए यहाँ पर खीर लाने का, वैसे ही जैसे पापा। जैसे वो लाया करते थे। पापा के जाने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे लाइफ में कुछ है ही नहीं। क्या करना है, क्या होगा, किसी चीज का कोई मतलब नहीं। पर जैसे पापा ने मुझे सब कुछ सिखाया, उसी तरह पापा ने मुझे मेरी लाइफ का पर्पस भी दे दिया, देश सेवा। उसी के लिए पापा जिए और अब उसी के लिए मैं जी रही हूँ। मैम, कोई कुछ भी बोले, कितनी भी प्यारी प्यारी कहानियां सुनाए, दिवाली का असली मजा तो आप ये जो मीठी मीठी खीर लाए ना, इसी से आया है। क्या कहते हो सर? अब तेरे से भुक्कड़ के आगे कोई क्या कहे। सर, ला एक प्लेट खीर और पास कर। देखकर मुझे हमेशा लगता था कि कितनी बहादुर लड़की है ये, पर आज तो कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई थी तुम। हाँ श्रवण, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूं ना, और कभी कभी इमोशनल होना ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। वैसे तुम मुझसे कुछ पूछना चाह रही थी, तो अभी पूछो। तुम कह रही थी कि मैं जैन सर, राइट सर, मैं अभी निकल रहा हूँ। आई विल बी देयर ऑन टाइम। कैप्टन मल्होत्रा, आपको सूरज निकलने से पहले यहाँ पहुँच के रिपोर्ट करना है, सो डोंट बी लेट। यस सर, मैं कल 6 बजे से पहले वहाँ रिपोर्ट करूँगा, चाहे जो भी हो जाए। जैन सर। सब ठीक है? हाँ, वो सीओ सर का फोन था, सुबह सुबह रिपोर्ट करने के लिखा है, तो मुझे अभी निकलना होगा। ऐसे अचानक? ऐसे कॉल्स तो अक्सर तब आते हैं ना जब सुमन, मुझे जाना है तो
आई एम सॉरी कैप्टन मल्होत्रा, पर फिलहाल आप एक इंजर्ड सोल्जर हैं और जब तक आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाती, एज योर डॉक्टर मैं आपको कहीं पर भी जाने की परमिशन नहीं दे सकती हूँ। सो प्लीज कैप्टन तिवारी, एक इंजर्ड सोल्जर के प्रोटोकॉल मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन इंडियन आर्मी में सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है अपने कमांडिंग ऑफिसर की कमांड फॉलो करना। आई एम श्योर ये प्रोटोकॉल तो आप भी जानती होंगी, तो प्लीज। हाँ सोफी, तुम यहाँ? Hey, yeah, I just came to take some fresh air. तुम यहाँ कैसे? सोफी, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी हो। Really? Thanks, yeah. Actually, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि मैं कैसी हूँ। नहीं, बहुत अच्छी हो, क्योंकि तुम लाइफ में कभी ऐसा कुछ करोगी नहीं जिससे कोई हर्ट हो। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट? बोलो ना। श्रवण भैया सिर्फ मेरे बड़े भाई ही नहीं, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी फैमिली है, मेरे मेंटोर हैं, और मैं जानती हूँ कि अभी उनकी विक्रम से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। हाँ, लेकिन इससे मेरा क्या? अब सुमन और भैया के बीच, आई मीन उनके पास्ट में जो भी हुआ या प्रेजेंट में उनके बीच जो भी है, तुम प्लीज़ ध्यान रखना कि गलती से भी कोई पुरानी बात दोबारा से डिस्कस ना हो। लुक अवनी, तुम क्या कहना चाह रही हो ये मुझे नहीं पता, पर श्रवण और सुमन के बीच में क्या था ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आई मीन श्रवण ने ही मुझे बताया था, और मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ कि अभी उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है ये टॉपिक निकालने का। यू डोंट हैव टू वरी। हाँ, थैंक यू, मुझे बस इतना ही कहना था। अच्छा, मैं नीचे हूँ। दैट वॉज स्ट्रेंज, अवनी मुझसे ये सब क्यों बोल रही थी? इसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे श्रवण और सुमन के बीच में कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता। सर, कैप्टन मल्होत्रा की इंजरी और उसकी रिकवरी का पूरा मेडिकल प्रोटोकॉल मुझे दिया गया था। वी हैव वर्क्ड वेरी हार्ड सर, और अब जब हम पूरी तरह हील होने के इतने करीब हैं, तो हल्की सी भी चोट या खरोच हमारी मेहनत पर पूरी तरह से पानी फेर सकती है। सो एज हिज डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि जब तक कैप्टन मल्होत्रा पूरी तरह से मेडिकली फिट हो जाते हैं, इन्हें कहीं भी जाना चाहिए। सर, मैं जानता हूँ कैप्टन तिवारी ने मेरी चोट हील करने के लिए काफी मेहनत की है, पर उतनी ही कोशिश मैंने भी अपनी तरफ से की है, और ये बात कैप्टन तिवारी भी बहुत अच्छे से जानती है। पर इस वक्त एक्सक्यूज मी ऑफिसर्स। जैन सर, क्यों कर रही हो ऐसा? मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, और जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तुम किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं हो। और अगर तुम्हें कुछ भी हो गया ना श्रवण, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आई मीन एज अ डॉक्टर। और अगर मैं अपने सीनियर ऑफिसर की कमांड फॉलो नहीं कर पाता किसी भी वजह से, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा एज ए सोल्जर। मैंने आपके साथ हर वक्त कोऑपरेट करने की कोशिश करी है, पर हमेशा आपके नहीं चल सकती है कैप्टन मल्होत्रा। कमाल है, आपने आज तक एक बात नहीं सीखी कि चलती से भूसी की है जिसकी किस्मत अच्छी हो, कैप्टन तिवारी। फाइन, तो फिर आज साबित हो जाएगा कि किस्मत किसकी अच्छी है। कैप्टन तिवारी, जाने दीजिए कैप्टन मल्होत्रा। सर, देखिए मुझे डिटेल्स नहीं मालूम, लेकिन इन्हें सुबह तक अपने सीईओ को रिपोर्ट करना है। मैटर अर्जेंट है, लेट हिम गो। थैंक यू सर। गुड लक कैप्टन, मैं चलता हूं। जय हिंद सर। आज तो मेरी किस्मत अच्छी थी, पर कोई बात नहीं, किस्मत है, कभी भी पलट सकती है ना। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.